एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज वापस से आ गई हूँ मैं आपके लिए साड़ी हॉल लेकर। आप इन साड़ियों को दुर्गा पूजा के लिए या फिर करवा चौथ के लिए बाय कर सकते हैं। और सारी ही साड़ियां मैंने परचेस की है मीशो से। जैसा कि आप जानते हैं मीशो एक इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जहां पे आपको सारे प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में मिल जाते हैं और आपको इजिली 1 वीक का रिटर्न पॉलिसी भी मिल जाता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद ना आया हो या फिर रिटर्न या एक्सचेंज करना हो तो 1 वीक के अंदर आप कर सकते हैं। एंड मीशो ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% तक का ऑफ या फिर 100 रुपीज तक का ऑफ हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट साड़ी जो मैंने बाय किया है वो इस तरीके से ब्लू एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन में है। इस तरीके से मैंने बनारसी सिल्क साड़ी परचेस किया है। आपको सबसे पहले हम इस साड़ी का पल्लू को ही दिखा देते हैं। पल्लू से स्टार्ट करते हैं हम इस साड़ी को। इस तरीके से आपको इस साड़ी के साथ पल्लू रिसीव हो जाएगा। पिंक कलर का इस तरीके से वर्क के साथ आपको पल्लू रिसीव हो जाएगा। पल्लू के लास्ट में कोई भी बॉर्डर नहीं है, आपको इसके लास्ट में पिको कराना पड़ेगा। एंड इस तरीके से आपको वुवन वर्क के साथ इसका पल्लू रिसीव हो जाएगा पिंक कलर में। एंड देख सकते हैं आप पल्लू का डिजाइन जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत सा वर्क है इसके ऊपर। एंड पूरी साड़ी सिल्क फैब्रिक में है, बनारसी सिल्क में ये इसका फैब्रिक है। एंड बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। पिंक कलर का बॉर्डर रिसीव हो जाएगा ऊपर और नीचे, आपको सेम पिंक कलर का बॉर्डर रिसीव हो जाएगा इस तरीके से। एंड पूरी साड़ी में डिजिटल प्रिंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट रिसीव होगा। बर्ड्स बने हुए हैं, बर्ड्स एंड फ्लावर्स का आपको प्रिंट रिसीव हो जाएगा इस तरीके से। ओवरऑल पूरी साड़ी सेम है। इस तरीके की साड़ियां बहुत ही रिच लुक देती है, बहुत सुंदर साड़ी है। एंड इस साड़ी के साथ आपको पिंक कलर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक भी रिसीव हो जाएगा। इस साड़ी के साथ आपको दो ब्लाउज के फैब्रिक रिसीव हो जाएंगे। फर्स्ट ब्लाउज का फैब्रिक आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होगा। ये भी सेम फैब्रिक में है, जो साड़ी का फैब्रिक है उसी फैब्रिक में आपको ब्लाउज का फैब्रिक दे रखा है। एंड इस तरीके से आपको बॉर्डर रिसीव हो जाएगा जो कि आप अपने स्लीव्स पे दिलवा सकते हैं। एंड इस ब्लाउज के साथ जो सेकंड ब्लाउज का फैब्रिक है, जैसे कि आप कैटलॉग में देख सकते हैं, उसके लिए आपको इस तरीके से येलो कलर में ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है। ये वेलवेट फैब्रिक में है, ये आपको ब्लाउज का जो येलो कलर का जो ब्लाउज है वो वेलवेट फैब्रिक में आपको रिसीव होगा। एंड ये फ्रंट के लिए आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी रिसीव हो जाएगी। ये ब्लाउज का फ्रंट में आ जाएगा इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी। ये जरी वर्क है, जरी एंड सीक्वेंस का भी वर्क है, आप देख सकते हैं बीच बीच में इसका एक एक सीक्वेंस लगाया हुआ है। एंड स्लीव्स के लिए कुछ आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी रिसीव हो जाएगा। ये फर्स्ट स्लीव्स के लिए है एंड सेकंड स्लीव्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी रिसीव होगा। ये वेलवेट फैब्रिक में है, वेलवेट की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप साड़ी को बाय करते हो तो आप दोनों ही ब्लाउज स्टिच करा सकते हो, बिकॉज वेलवेट अगर ज्यादा गर्मी हो तो आप कंफर्टेबल नहीं होगे वेलवेट में, तो उसके लिए आप इस ब्लाउज के ब्लाउज को यूज कर लेना। एंड जब थोड़ा अच्छा मौसम हो तो आप उसमें इस ब्लाउज को यूज कर सकते हो। वेलवेट फैब्रिक में फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड वर्क भी बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही फिनिशिंग के साथ वर्क दे रखा है। एंड ये आपको बैक साइड के लिए रिसीव हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ये दे रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाएगा इसमें। ये साड़ी जो मुझे रिसीव हुई है थोड़ा सा डिफेक्टिव है, मैं आपको दिखाती हूँ। पल्लू के बाद से जैसे साड़ी स्टार्ट होगा, यहाँ ये व्हाइट कलर का फैब्रिक आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये होना नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप इस साइड में नहीं है। ये प्रिंटिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसको एक्सचेंज करवाऊंगी, पर साड़ी बहुत ही अच्छी है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लुक आने वाली है। बाकी का आप ट्रायल में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है ये। इस साड़ी को मैंने बाय किया था 1185 रुपीज में। एंड सेकंड साड़ी मैंने इस तरीके पिंक कलर का साड़ी मंगवाया है, ये किसी व्यूवर की रिक्वेस्ट पे मैंने मंगाया है, पर साड़ी बहुत ही अच्छी है। जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये साड़ी रिसीव होगा। इस साड़ी को भी आप अगेन दुर्गा पूजा के लिए मंगा सकते हैं, छठ आने वाला है आप छठ के लिए भी मंगा सकते हैं। करवा चौथ में कुछ सिंपल सा लुक चाहिए तो आप उसके लिए भी इस साड़ी को बाय कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है ये भी। तो ये साड़ी सेम मिलेगी इस तरीके से, आपको इसका आंचल रिसीव हो जाएगा। सेम रनिंग में ही साड़ी है, कुछ भी एक्स्ट्रा आंचल में नहीं है, सेम आपको इस तरीके से इसका लेस मिल जाएगा तीनों साइड में, देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से लेस मिल जाएगा। डिजिटल प्रिंट किया हुआ है इसमें, बड़े बड़े रोजेस बनाए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड पूरी साड़ी में आपको इस तरीके की लाइनिंग मिल जाएगी जिसपे सिक्वेंस का वर्क आपको रिसीव हो जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा ही सिक्वेंस लगाया हुआ है पूरी साड़ी में। एंड कपड़े की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट सा जॉर्जेट का फैब्रिक है ये, आप इसको इजिली वेयर कर सकते हैं। अगर पूरे दिन के लिए भी आपको कभी वेयर करना होना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप सिंपल सा भी साड़ी चाहते हो जो आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो तो उसके लिए भी आप इस साड़ी को बाय कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है।
तरीके से आपको पूरी साड़ी रिसीव हो जाएगी, सेम आपको ऊपर नीचे इस तरीके से बॉर्डर रिसीव हो जाएगा, पूरी साड़ी में इस तरीके से सीक्वेंस वर्क एंड डिजिटल प्रिंट आपको रिसीव हो जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए फैब्रिक दे रखा है, वहां पर सिर्फ आपको कोई सीक्वेंस वर्क रिसीव नहीं होगा और कोई बॉर्डर भी रिसीव नहीं होगा। इसके साथ आपको रेड कलर का ब्लाउज का फैब्रिक दे रखा है, प्लेन रेड कलर का ब्लाउज का फैब्रिक है। तो स्लीवलेस ब्लाउज बनवाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इस साड़ी के साथ। ब्लाउज की फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, लाइनिंग के साथ आपको ये ब्लाउज स्टिच कराना पड़ेगा। ओवरऑल लुक पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आएगा। एंड इस साड़ी को मैंने बाय किया था 1150 रुपीज में। आज साड़ी जो है वो इस तरीके से मैंने ब्लू कलर का साड़ी मंगाया है, साड़ी भी जैसा इमेज में था वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। कुछ इस तरीके से आपको इसके साथ पल्लू रिसीव हो जाएगा, जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये साड़ी रिसीव होगा। रॉयल ब्लू कलर है इसका एंड इस तरीके से आपको इस साड़ी का आंचल मिल जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कटवर्क बॉर्डर के साथ ये साड़ी रिसीव होगा आपको। बॉर्डर पे बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी थ्रेड का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं आपको जरी का भी एम्ब्रॉयडरी रिसीव हो जाएगा। एंड मल्टी कलर थ्रेड का वर्क है, बहुत ही खूबसूरत वर्क लग रहा है। एंड इसका फिनिशिंग देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ वर्क है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये साड़ी भी पूरी साड़ी वैसी मिलेगी, सेम ऐसी साड़ी है, जहाँ पे आपको प्लीट्स बनेगा वहां पे आपको कोई बॉर्डर रिसीव नहीं होगा और नीचे में आपको इस तरीके से फिर से बॉर्डर आपको रिसीव जाएगा कटवर्क के साथ। पूरी साड़ी वैसी ही है। इस साड़ी को मैंने बाय किया था 1265 रुपीस में। बाकी आपको सारी साड़ियों का प्राइस का स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो साड़ी बहुत ही सिंपल दे रखा है, इसलिए ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो बहुत ही हैवी सा दे रखा है। सिल्क बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक में आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ ये ब्लाउज रिसीव हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्टी थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी रिसीव हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही हैवी ब्लाउज बनने वाला है इससे। एंड स्लीव्स के लिए आपको कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरीके से दोनों स्लीव्स के लिए ये एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। ब्लाउज बनने के बाद बहुत ही हैवी लुक आएगा। एंड इसके बैक साइड के लिए इस तरीके से आपको प्लेन सा फैब्रिक दिया हुआ है। इस फैब्रिक में पता नहीं स्टिच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फ्रंट एंड स्लीव्स के लिए तो बहुत अच्छा फैब्रिक दे रखा है, पर बैक साइड के लिए सिर्फ आपको ये इतना ही फैब्रिक रिसीव होगा है। दोनों साइड में इस तरीके से सिर्फ फैब्रिक दिया हुआ है, तो ये आई हैव डाउट, तो आप अपने टेलर को दिखा सकते हो। इस तरीके से आपको हैवी सा इसका ब्लाउज बन जाएगा, जैसा आप इमेज में देख सकते हो सेम वैसा ही ब्लाउज बन के आएगा। सारे ही साड़ियों का मैं बाय कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। साथ में ये साड़ी जो मैंने वेयर कर रखा है, ये साड़ी का भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।